हमने शायद ढूंढी है, आप जाके ग्रिड पे तो हम पे कर दो। हम एक पे भी गए और दूसरे पे भी गए, तीसरे पे जाकर तो करा। छः दिन हो गए ना तो कोई डिपार्टमेंट का आया यहाँ पता लेने, कोई खबर नहीं। कोई इस वक्त पीजी में मतलब चंडीगढ़ में खर्चा कितना हो रहा है, वहाँ गरीब लोग हैं, आपको पता है एक बर्तन धोने वाला क्या कर सकता है। अगर अर्जेंट के में लाइट नहीं थी तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक खंभे पे लाइट कैसे पहुंची? अगर लाइट की हड़ताल थी तो लाइट छोड़ी कैसे? अगर पूरे जम्मू कश्मीर में बिजली नहीं थी तो पुंछ एक खंभे पर बिजली कैसे आई? और इस बिजली का शॉक किसने दिया अगर पूरा डिपार्टमेंट स्ट्राइक पर था? ये सवाल पूछ रहे हैं यासर कबीर वल्द कबीर अहमद के रिश्तेदार और दोस्त अहबाब। आदाब, मैं हूं सैयद नियाज शाह, आप जेके एलविजन देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों महकमा PDD की जानिब से पूरे जम्मू कश्मीर में एहतजाज किया जा रहा था। इसी असना में ज़िला इंतज़ामिया पुंछ के हुक्मनामे पर यासर कबीर वल्द कबीर अहमद साकना अस्माबाद अपने चंद साथियों के साथ पुंछ ग्रिड स्टेशन पर DM और महकमा PDD के आला अधिकारियों की मौजूदगी में बिजली ठीक कर रहे थे कि अचानक बिजली करंट लगने से यासर कबीर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं। इन्हें फौरन पुंछ हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, जहां से इन्हें मेडिकल कॉलेज जम्मू और जम्मू से बेहतर इलाज मालजे के लिए PGI चंडीगढ़ रेफ़र कर दिया जाता है। यासर कबीर के अहल खाना का कहना है कि वो बूढ़े वालदेन का वाहिद सहारा थे। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ की जानिब से माँ सवाए 50,000 रुपये के उनकी कोई भी इमदाद नहीं की गई है। चंडीगढ़ में उनका इलाज मुआलजा चंदा लेकर करवाया जा रहा है और वहाँ पर इलाज के लिए अहल खाना के मुताबिक उन्हें सख्त परेशानियों से दोचार होना पड़ रहा है। यासर कबीर के अहल खाना का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया उनकी मदद करे और चंडीगढ़ में हो रहे अखराजात में उनकी मावनत करे। दिखाते हैं आपको यासर कबीर के अहल खाना और उनके दोस्त अहबाब से की गई तारिक शेख की ये ख़ास बातचीत। सर जी, यासर करंट के सवाल से आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि इधर से हमने DC साहब ने पुंछ बुलाया हमें और बोला लाइट लगा हुआ जाके खंभे पे ग्रिड में बुला के बोला इन्होंने हमने शेड ढूंढी है आप जाके ग्रिड पे वो खंभे पे कर दो। हम एक पे भी गए और दूसरे पे भी गए, तीसरे पे जाते जाते करंट लग गए। जेई थे और एक पुलिस वाला था, एक एक्सीडेंट वाला DC साहब खुद भी था उधर, नहीं था एक्शन भी था। आया कोई नहीं आया अभी तक। 6 दिन अपील करना चाहते हैं, यही अपील करना चाहते हैं कि बंदे को इंसाफ दिया। 20 तारीख को 2 बजे हमारे पास फ़ोन आया कि आपको DC साहब DC ऑफिस बुला रहे हैं। हम DC ऑफिस में जाके पहुंचे, वहां पे PA ने हमें फ़ोन किया हुआ था, PA मैडम ने फिर हमें बोला कि वो DC साहब कामसर में आपको बुला रहे हैं। हम कामसर में पहुंचे, कामसर में DC साहब वहां बैठा हुआ था, बोला आप काम करते हो लेबर का? हमने बोला बिल्कुल करते हैं। और काम करते बार मतलब उन्होंने बोला कि बिजली का काम ये इस पे मतलब जंपरिंग करनी है, मेरे बंदे आपके साथ में रहेंगे। तो मैंने DC साहब को बोला कि जब तक शट डाउन का क्लियर नहीं होगा हम पोल पे नहीं चढ़ेंगे। DC साहब ने कहा कि जो उसको जइयों को पूछा साहब वहाँ कि जंपरिंग मतलब क्या सिस्टम है आपकी लाइट का, उन्होंने बोला कि मतलब 3 दिन से AJK में लाइट नहीं है और रिस्टॉल मतलब हमारे पास लाइट ही का रिस्टॉल नहीं है इस टाइम पे। तो जैसे हमें पोल पे चढ़े गया, एक पोल का काम हमने ख़त्म किया, उसकी वीडियो भी हमारे पास पड़ी हुई है, एक पोल का काम ख़त्म किया। तीसरे पोल के ऊपर जैसा ही लड़का पहुँचा ऐसी बिजली पीछे से छोड़ी गई ग्रिड स्टेशन से, लड़के को 8 बजे और नीचे। उसके बाद क्योंकि लाइट गेट के अगर AJK में लाइट नहीं थी तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में एक खंभे पे लाइट कैसे पहुंची? अगर लाइट की हड़ताल थी तो लाइट छोड़ी कैसे? अगर 3 दिन से हड़ताल थी कुछ भी था, DC साहब ने हमें चढ़ाया जंपरिंग ठीक करवाने के लिए, इनने पीछे से लाइट छोड़ी और ग्रिड स्टेशन से पुंछ ग्रिड स्टेशन से ही लाइट छोड़ेगी। लिहाजा हमारी कोई भी इस टाइम तक मदद गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी मदद हमें इस टाइम तक नहीं मिली और हम यही चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारे लड़के को बचाया जाए। हमारा लड़का बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है। कौन से रेफर हम जम्मू हुए, जम्मू से रेफर हम PGI चंडीगढ़ में हुए। हमारी कोई भी हेल्प इस टाइम तक नहीं हुई। हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए कि हमारी मदद जल्द से जल्द की जाए। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल कबीर है। सर, जो यासर को करंट लगा है इसके हवाले से आप क्या क्या बताना चाहते हैं? यासर मेरा लड़का है, तो जब वो हम तो दुकान पे थे, मैं ऑटो का काम करता हूँ छोटा सा, तो फ़ोन आया DC ऑफिस से, फ़ोन आया PA का कि इन लड़कों को पुंछ भेजो, DC साहब बुला रहे हैं। जब पुंछ भेजे तो
फोन जाके पहले दफ्तर में पूछे तो दफ्तर में पीओ ने कहा कि डीसी साहब ग्रिड स्टेशन में इनका इंतज़ार कर रहा, आप वहाँ लेके जाओ इनको। तो मेरा छोटा भाई गया इनको साथ में लेके वहाँ, तो जब वहाँ पहुँचे तो डीसी साहब वहीं थे। वहाँ थे तीन जेई थे और एक एक्शन था और काफ़ी काफिला था, मतलब पुलिस थी आर्मी थी वहाँ। तो इन लड़कों को काम है, जब डीसी साहब भेजने लगा तो जेईयों को और एक्शन साहब को पूछा गया कि भाई आपने ये शेड्यूल लिया है? डीसी साहब ने खुद पूछा। तो जो जेई हजरात थे तो उन्होंने कहा जी हमने शेड्यूल लिया है तो लड़के काम कर सकते हैं। जब ये चपटे पे चले गए काम करने के लिए, एक खंभा किया इन्होंने, दूसरा किया और तीसरे पे जैसे गए तो यासर ऊपर चढ़ा हुआ था तो वो लेग मतलब लगा ही रहा था तो उसको शॉट बजी, नीचे गिर गया। तो उसके बाद डीसी साहब हॉस्पिटल में, जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला, मैं होटल पे था मंडी में, पहुंचा वहां जाके तो उसके बाद मतलब यासर को तो इन्होंने एम्बुलेंस में रखा हुआ था जम्मू के लिए। तो डीसी साहब ने उस टाइम मुझे 50,000 रुपया वहाँ दिया। और उसके बाद इस टाइम तक 6 दिन हो गए, ना तो कोई डिपार्टमेंट का आया यहाँ पता लेने, कोई खबर नहीं कोई। इस वक्त पीजी में मतलब चंडीगढ़ में खर्चा कितना हो रहा है, वो हम गरीब लोग हैं, आपको पता है एक बर्तन धोने वाला क्या कर सकता है, कहाँ तक ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो हमारी मदद की जाए, हेल्प की जाए, और दूसरा ये डीसी साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जिसने भी ये ऐसा किया उसको ओपन करें। जिस बंदे ने भी ऐसी मतलब हमारे साथ, मैं गरीब आदमी हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि वो डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं बार बार कि ये बंदा जो है इसको ओपन किया जाए जिसने ऐसी साजिश की हमारे साथ, मस्कीनों के साथ, और हमें इंसाफ चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँ। आपका नाम? सजाद अहमद। सर जो आप कहते हैं। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब डीसी साहब ने बुलाया पूंछ में तो हम ग्रिड में बुलाए थे, कामसार ग्रिड में गए, वहाँ पे 4 बंदे थे हम और डीसी साहब भी थे वहाँ पे और डिपार्टमेंट भी लाइट वाला वहीं पे था, जेई भी वहीं थे तीन। हमें एक खंभे पे हमने काम किया और दूसरे पे जाके किया, तीसरे पे जाके इसको करंट लगा यासर को। तो जब एक खंभे पे लाइट नहीं, हमने शट डाउन लिया हुआ था, एक खंभे पे बंद थी, दूसरे पे बंद थी और तीसरे पे लाइट कहाँ से आई? ग्रिड में पूरा महकमा था बैठा हुआ और डीसी साहब खुद भी बैठे हुए थे वहाँ पे, लाइट आई तो कहाँ से आई, हम यही पूछ रहे हैं। दो दिन से बंद थी लाइट भी, 2-3 दिन से बंद थी, लेकिन हमने खुद शट डाउन लिया हुआ था, हम लाइट का काम करते हैं, हम जानते थे, शट डाउन ले के हम खंभों पर चढ़े थे। हम यही डीसी साहब से पूछ रहे हैं कि इस चीज़ की कोई भी कार्रवाई करो आप। क्या यहाँ पर महकमा बिजली की जानिब से कोई मुलाजिम या कोई अफसर यहाँ पर आया अभी तक? नहीं, अभी तक यहाँ पे सर कोई नहीं आया। 6 दिन हो गए इधर, अभी तक कोई नहीं आया।